दोस्तों आपको सीखने को इन प्रकृति से बहुत चीज मिलता है। आज फिर हम आप लोगों को एक नया चीज सिखा रहे हैं जो प्रकृति से ही हमें सीखने को मिलता है। हमारे जो रिवर्स होती है, नदियाँ होती है, नदियाँ हमें सिखाती है कि अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है तो आपको नदी के समान होना होगा। यानी कि हमारे रास्ते में हमारे मंजिल के बीच बहुत से ऐसे रोड़े आएंगे जिसे हमें खुद ही साइड लगाना होगा, और कुछ ऐसे भी रोड़े आ जाएंगे जिसे हम साइड नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें अपना रास्ता खुद मोड़ना होगा, कहीं झुकना होगा, कहीं अड़ना होगा, और कहीं अड़े हुए को हटाना भी पड़ेगा। जिस तरह से एक नदी जब अपना रास्ता बनाती है तो वह खुद से अपना रास्ता बनाती है, किसी और की सहायता नहीं लेती है। यदि उनके रास्ते में पत्थर आ जाते हैं, पत्थर को वो हटा देते हैं, और कुछ उससे भी बड़े पत्थर आ जाते हैं, तो वैसी स्थान पर वो अपना रुख, अपना रास्ते बदल लेती है, लेकिन कंटिन्यू चलते रहती है। लेकिन अगर ऐसा भी रास्ता आ जाए, एकदम मान लीजिए कि पूरे पहाड़ आ जाए और उसे रोक दे, तो वैसी स्थिति में एक नदी क्या करेगी, तो अपना समय का इंतजार करती है कि मेरा समय भी आएगा। और मौसम जब चेंज होता है, यानी कि जब बरसात का मौसम आता है, तो वर्षा के जल से नदी एक प्रचंड रूप में आ जाती है, और वैसे अड़े हुए जहाँ पर उस पहाड़ को हटाने के लिए प्रचंड रूप लेकर आई और उस पहाड़ को कटिंग करते हुए अपना रास्ता बना ली। तो इस तरह से एक नदी से हमें बहुत चीज सीखने को मिला कि अगर हमें जरूरत पड़े तो कहीं पे झुक सकते हैं, रास्ता चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और अगर जहाँ पर कोई उपाय नहीं है तो अंतिम समय में हम वहाँ पे ठहरे रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं, और वेट करने के बाद जब हमारा समय आएगा तो हम अपने पूरे ताकत से, पूरे फोर्स से, वो कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, उसे हटा सकते हैं और हम अपना रास्ता स्वयं बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन में हर एक चीज से एक नया ज्ञान, एक नया नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं।